यूपी के जौनपुर में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जारी लॉकडाउन के दौरान सरकारी मदद राशि को एक ग्राम प्रधान द्वारा कमीशन काटकर मनरेगा मजदूर को देने का मामला सामने आया है, जहां सरकारी अधिकारी ने मजदूर की मजदूरी उनके खाते में लौटाई और वहीं दोषी ग्राम प्रधान को पुलिस के हवाले करके आगे की जाँच में जुट गई है। पेश है हमारे जौनपुर के संवाददाता एम एच सिद्दीकी की ये खास रिपोर्ट। बता भाई, 400 रुपए निकाल के 400 दिए, इसके खाते के मालिक आप हो, इसके खाते के मालिक आप हो। ऐसा है, आंगनवाड़ी केंद्र बन रहा है, तो ज्यादा फर्जीफिकेशन की है। नगद तय संदेह, इनका नाम तो चढ़ा के इनके खाते करा दी, और सब गांव में मशीन लिए, पैसा वसूल रहे हो सब, सरकार ने खातों में डाला गरीबों के, पैसा वसूल रहे हो, निकाल रहे हो तो सर आगरवाड़ी के काम किए ये नहीं किए, इससे कोई मतलब नहीं। पैसा इनका था, इनके खाते में पैसा गया है, आप कौन होते कि खाते का हिसाब रखने वाले, इनको हवालात के अंदर डाल के मुझे बताइए और फोटो खींच के वहाँ दिखाइए मुझे कि हवालात के अंदर हैं। ऐसे प्रधान मुझे नहीं चाहिए, बेईमान। हमें नहीं चाहिए, आपने 400 रुपये इसके खाते से निकाले और 400 रुपये इसके, अभी नहीं चाहिए आपको, जेल जाकर देना थी। माफ करने के लिए बैठा ही नहीं हूँ मैं, आप गरीबों का जो शोषण करेगा वो समाज का दुश्मन है और मेरा दुश्मन है। ले जाइए भाई, आदर्श करिए इसको, हवाला जेल दे। एक मिनट कैसे साहब, एक मिनट इनसे बात करना ना। कितना निकलवान प्रधान पैसा? 400। अब कितना तुम्हें देन? 400। नरेगा में तू? अच्छा, कौन प्रधान है, नाम उनका? पहाड़ू यादव। अच्छा, पचोखर।